आप पहले आंखें क्लोज बिल्कुल। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। रितु एमएस व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। तो हमारे व्लॉग के साथ जुड़े रहना। सबसे पहले तो विशु ही करेगी। चलो विशु आओ बैठो। ये काफी टाइम से बोल रही है कि मेरे को घोड़ा टिक टिक करना है। घोड़ा टिक टिक। चलो अभी फोन रख दे, बाद में टिक टिक करके फिर लोग बनाएंगे। ओके तो बेटा ऐसे मैं पकड़ूंगी तो चलूंगी कैसे? चलो देख लो भाई कितनी शैतान बच्ची है। चल मेरा घोड़ा ये रखा भी नहीं जाता भी इधर। नहीं रखा जा रहा, नहीं जाता। विशु मैं तेरे को एक बार गिरा दूं? गिरा दूं? ए भाई जी देखो विशु को नहला दिया। और ये भी क्या करनी बेटा, इसने ना कम से कम चार जोड़ी जराबे चेंज कर ली कि सारी पहन पहन के देख रही है, पता नहीं लास्ट में कौन सी रखेगी। तो आज मौसम खराब है, मेरे को भी ठंड लग रही है, इसलिए मैं भी जराबे पहन लेती हूँ। क्या बेटा और कपड़े ड्राई मत कर, आज पहले ही बहुत काम बिखरा हुआ है। नहीं बेटा आज मैं तेरे लिए क्या बना रही, तो आज भाई मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो व्लॉग के साथ जुड़े रहना, आपको जरूर दिखाते हैं क्या बनाएंगे। ठंड शुरू होगी तो अभी ठंड का राशन बनाएंगे खाने पीने का। तो चलो मेरे से भी भाई इंतजार नहीं हो रहा, मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये देखो गाइज आज हम निकालेंगे खोआ, अपने देसी भाषा में हरियाणा में बोला रहे भाई खोआ गड्ढा। हाँ तो खोआ निकालेंगे। देखो ये कढ़ाई है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। इसलिए आधा दूध पहले डाल लिया, ये थोड़ा पक जाओगा तो आधा बाद में डाल लेना। मतलब इतना छोटा भी नहीं है, मीडियम साइज का है ये, इसलिए मैंने गैस को भी मंदा कर रखा है। तो देखते हैं अभी एक घंटा होगा इसको रखे हुए, तो कब तक ये होगा? चार पांच घंटे तो शायद लग ही जाएंगे ज्यादा भले। तो बच्चों के लिए विशु को तो पता है क्योंकि मेरे पास ही है, दीपांशु के लिए सरप्राइज है। जैसे वो स्कूल से आएगा उसको सरप्राइज देंगे कि अभी आज तेरे लिए क्या बना है, क्योंकि वो तीन चार दिन से बोल रहा था कि मम्मा गूंद डाल दो गूंद डाल दो। तो फिर मैं बोली बेटा अभी तो इतनी ठंड नहीं आई गूंद की, तेरे लिए कुछ और बनाते हैं। क्या बेटू सरप्राइज? हाँ आज तो फिर आज खोआ निकालते हैं, उसके लिए उसको खोए का सरप्राइज देंगे। ठीक है तो अभी साथ में मेरा खोआ बन जाएगा, साथ में मैं खाने की तैयारी कर लूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा। तो अभी हम करते हैं लंच की तैयारी, आपको दिखाएंगे हम लंच में क्या बनाएंगे। तो गाइस मेथी की चटनी बनानी शुरू कर दी है। ये देखो इसमें मेथी लहसुन और हरी मिर्ची और थोड़ा नमक और डाल लूँ, फिर लास्ट में दही और लस्सी मिक्स कर देंगे। ये आज तो इस तरह काम चलाना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो कैमरामैन था वो गया स्कूल। तो मिक्सी में बना क्योंकि आज कुंडे में बनाने की हिम्मत नहीं है भाई, सुबह तक खोआ चढ़ा रखा है तो हाथ दुखन लग गए पलटा मार मार के। सुनो मेरे को ये बनाते बनाते लग गई भूख, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट किया था मैंने थोड़ा जल्दी, तो मैं कुछ खा लेती हूँ साथ में और फिर साथ में बनाती रहूंगी, बल्कि लंच बाद में ही बनाऊंगी। कुछ तो मैंने बना लिया लंच, कुछ बाकी है। सुबह से ना चॉकलेट खा रही, दो चॉकलेट खा ली अभी। बोलिए मम्मा और चीजें है आपके पास? तो मैंने सिर्फ ना चावल और दाल बनाई है अभी तक, वो बनाऊंगी पहले कुछ खा लूं। मैं अभी तो गर्मा गर्म चावल दाल यही खा लेती हूँ। ये देखो गाइस दाल और चावल खा रही हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। खाएगी ये नहीं खाएगी अभी, मैं अकेली निपटाऊंगी इनको। तो खाओ पियो ऐशी करो मित्रो, दिल भर किसे दा दुखायो ना। देखो गाइज हमारा खोआ लगभग निकल गया है, ये भी इसमें मिलाएंगे चीनी। ये देखो दूध बिल्कुल खत्म, दूध का बन गया खोआ। तो अभी इसमें मिलाएंगे चीनी। चीनी आप You win.
दही और लस्सी मिलानी बाकी है, वो भी मिला के आपको दिखाऊंगी। तो हमारी दाल बन गई, चावल बन गए, चटनी बन गई, बस अभी रोटी बाकी है। रोटी बनाएंगे जब खाएंगे, जब साथ साथ में, क्योंकि आप सबको पता ही है रोटी रोटी हम खाएंगे बाजरे की, और बाजरे की साथ साथ में बना के खाने का मजा आया गरम गरम, है ना विशु? देखो मेरे पाँव के बीच में आ गई थी, मैं गिर गई होती। विशु बोलो, ये बताओ मेरे को, देखो मेरा बेबी सो रहा है। कहाँ सो रहा है बेबी? ये देखो भाई, विशु का बेबी सो रहा है। गाइज को दिखाओ, देखो गाइज मेरा बेबी सो रहा है। हाँ बेबी सो रहा है, देखो। सो रहा है। सुनो ये बता मेरे को, बाजरे की रोटी खाई क्या गेहूँ की? इसको तो चिज्जी खानी है, इसको ना बाजरे की खानी ना गेहूं की, है ना? सुबह से दो चॉकलेट खा चुकी है ना, फिर जल्दी बोल बाजरे की खाई गेहूं की? इसको तो पप्पी खानी है भाई। मैं रोटी बना दे मम्मा, ये देखो अभी बोलने लगी ना मेरी मुर्गी, देखो बोलो क्या? गिली रोटी खाएगी, तो इसके लिए स्पेशल गिली रोटी बनानी पड़ेगी, बाकी हम सब के लिए बाजरे की रोटी ये खाएगी, गिली रोटी है ना। आज मैंने ये पहनना पड़ा क्योंकि इसके छिट्टे लग गए हैं, चीनी गिरने पास थोड़ा पानी छोड़े है ना, तो देखो कैसे हो रहा है, देखो तो इसके छिट्टे उछड़ उछड़ के मेरे लग गए थे, तो मैंने ये पहन लिया क्योंकि तो बहुत गर्म लग रहा है। कितना अच्छा कलर लग रहा है इसका, ये देखो अब देखने में इतना अच्छा लग रहा है, तो खाने में कितना अच्छा लगेगा। देखो गाइज मेरा चून लगभग भूल गया है, अरे मैंने पतीला में निकाल के इसमें रख लिया परात में, क्योंकि अच्छे से मिक्स होकर लड्डू बन जाऊंगे। बस ये इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट और कर लूं, मतलब ग्राइंडर में ही करना पड़ेगा क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, आज से कुटूंगी फिर डालूंगी तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। दीपान सो आने वाला है आपको बताया था, तो मैं जल्दी जल्दी आपको अभी बाद में दिखाती हूँ इकट्ठा ही, क्योंकि अभी अगर मैं वीडियो बनाने लगी तो मेरा ये रह जाएगा, तो अब तो रेडी होने के बाद ही आपको दिखाती हूँ। तो गाइज अभी ग्राइंडर कर लूँ, भून गया चून भी, ये देखो बिल्कुल अच्छे से, और ये भी बिल्कुल ठंडा हो गया मतलब मीडियम, तो अभी जल्दी से ग्राइंडर करके और लड्डू बना दूं मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। अभी बज गए दोपहर के ढाई, मतलब दीपांशु बस आने ही वाला है, वो 10-15 मिनट में आ जाएगा। तो गाइज आपको दिखा रही हूँ सब कुछ रेडी हो ही गया है, ये देखो अभी इन्हें मिक्स करके लड्डू बना रही हूँ। अभी फोन देऊंगी मैं विशु को, ये देखते हैं वीडियो बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। विश्व आप मत छेड़ो बेटा, अच्छे से दिख रही है। हाँ। तो गाइज को दिखाना कि मम्मा लड्डू बना रही है भाई के लिए और विशाखा के। तो भाई गर्म बहुत ज्यादा है, मिक्स तो अच्छे से हो गया ये, मैं सोच रही थोड़ा ठंडा हो जाए ना, अच्छे से लड्डू बन जाएंगे। हाँ, ये लड्डू बन जाएंगे। और आटा थोड़ा ही मिक्स किया, देखो ये बचा लिया मैंने। हाँ। है ना, ज्यादा मम्मा वो छोटा वाला, ज्यादा आटा ना फिर अच्छा ना लगे। अब तू मैली बना, मैं लड्डू बना रही हूँ, तू ऐसे दिखाती रह, ठीक है? छोटे साइज। तो गाइज यही जुगाड़ है मेरे पास, मैं लड्डू बना रही हूँ, यही हिला रही थी विशु, इसलिए मैंने नीचे रखवा दिया फोन। हाँ वेरी गुड, अभी सही दिख रहा, विशु मत छेड़ो उसको। मम्मा मैं चाय दिखाई हूँ। मंदिर का दिन रबाई है, उड़े बरते यार मेरे जिगरी यार मेरे खासियां पड़ते आए, ना के दिन पे गिर जिगरी मीटू में पाने चाहे, उड़े बरते यार मेरे जिगरी यार मेरे खासियां पड़ते आए, ना के दिन पे गिर जिगरी मीटू में पाने चाहे, उड़े बरते यार मेरे जिगरी। तो गाइज मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया, लड्डू सारे कुछ गए हैं,
ये मैं टेस्ट कर रही हूँ अभी कैसा बने। देखो मेरा कमाल। यम्मी यम्मी वन बाइट प्लीज। चॉकलेट खाएगी देन डबल डे फॉर मी। मां दीपांशु विशु मेरे को नीचे साइकिल की आवाज आ रही है। दीपांशु आ गया जल्दी जल्दी बाहर बालकनी से देख के मां हाथ धोए इतने फिर भाई को सरप्राइज देंगे। जाओ जल्दी। तो गाइज मेरे लड्डू बन के रेडी हो गए बिल्कुल। एक ऐसी वाली थाली मैंने फ्रिज में रख दी और ये थोड़े वो थोड़े टाइट हो जाएंगे। तो ये अभी दीपांशु ने बैल बजाई है वो आया है तो मैं उसको दिखाऊंगी। देखते हैं वो कैसे सरप्राइज होएगा। दीपांशु आ चुका है अभी। दीपांशु आंखें क्लोज करो। क्यों? कुछ है तेरे लिए सरप्राइज। आज चिल्ड्रन डे है ना तो मैंने तेरे लिए कुछ सरप्राइज बनाया है लेकिन आप पहले आंखें क्लोज बिल्कुल। ये देखो गाइस इसने आंखें क्लोज कर ली। चलो ओपन सरप्राइज। वाओ क्या मैजिकल स्टील के लड्डू है। आए खाके देख मेरा बेटा। खोलेंगे भाई जैन लोग पता चल गया। मैं बाद में बताऊंगा कपड़े पहन। नहीं वो छोटे वाले तो चॉकलेट खाई थी भाई आज चिल्ड्रन डे लेकिन मैंने इसके लिए इसकी पसंद की चीज बनाई है ना बेटा। इतने अच्छे लगे पहले खाने लग गया। चल अब छक्का खा ले। थाली मैंने इसलिए बाहर रखी थी कि ठंडे को लेंगे बाकी फ्रिज में रख दिए खत्म हो गया ना फिर वो निकाल लेना है ना। चल ठीक है खा ले बेटा फिर चेंज कर लेना। वो शैतान बच्ची भाई इधर टीवी चल रहा है उसका और फिर भी ये देखो फोन में लगी हुई है और उसने एक भी लड्डू नहीं खाया। हाँ चॉकलेट उसने सुबह से तीन चार खा लिया और अभी देखो उसके हाथ में टॉफी है। देखो भाई लाया टॉफी देख लो उसका भाई इसके लिए टॉफी लेके आया है। बहुत शैतान बच्ची। तो मेरी मेहनत सफल हुई। मैं सुबह से जो बनाने लग रही थी मेरे बेटे को बहुत पसंद आया तो मैं बहुत खुश हूँ ये खाने लग रहा है। तो गाइज मैं आई थी इधर कपड़े उतारने के लिए क्योंकि मौसम खराब है बारिश आने लगी हल्की हल्की तो फिर मेरे को गंडा दिखाई दे गया बचा हुआ था कल का तो पहले गंडा चूसूंगी फिर कपड़े उतारूंगी। अभी बारिश रुक गई हल्की हल्की सी आ रही थी पहले ठंड के मौसम में गंडा चूसने का अलग ही मजा है। गाइज ब्लॉग सबने देख लिया तो कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो ऐसे ही नई वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक सबको बाय।